Hello students, welcome to the e-learning class of MAVN. Today in English grammar we will study our next chapter of PA 3rd, that is chapter 12 verbs. बच्चों अब हम verb यानी क्रिया के बारे में पढ़ेंगे. तो आइए जानते हैं कि क्रिया क्या होती है. Verbs that tell us what a person, animal or thing is or does are called verbs. ऐसे शब्द जो किसी कार्य के होने या करने का बोध कराते हैं वही क्रिया कहलाते हैं. वर्ड्स शो एक्शन. वर्ब क्या दिखाता है, क्या शो करता है? एक्शन. इसलिए हम वर्ब को एक्शन वर्ड्स भी कहते हैं और डूइंग वर्ड्स भी कहते हैं. दे ऑल्सो that is not
है। तो समझना यानी अंडरस्टूड, अंडरस्टूड क्या है? अंडरस्टूड हम देख नहीं सकते, हम केवल समझ सकते हैं, यानी ये क्रिया या ये एक्शन हमारे दिमाग में मन में हो सकता है, लेकिन हम इसे दिखा किसी को नहीं सकते। आइए बच्चों अब हम फॉर्म्स ऑफ वर्ब के बारे में पढ़ते हैं कि वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं। तो वर्ब के तीन फॉर्म होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। एग्जांपल देखिए, प्रेजेंट में गो, पास्ट में वेंट और पास्ट पार्टिसिपल में गॉन। प्रेजेंट में राइट, पास्ट में रोट और पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा? रिटन। तो बच्चों फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज टू टॉक ऑफ द एक्शन दैट वी डू रिपीटेडली और हैबिटुअली। वर्ब का पहला फॉर्म ऐसे एक्शन को बताता है जिसको हम रोज रोज या आदतन करते हैं या रिपीट करते हैं, दोहराते हैं। ऐसे एक्शन के बारे में जो बताए वो क्या होगा? वर्ब का पहला फॉर्म होगा। ठीक, एग्जाम्पल देखिए, आई गो फॉर अ वॉक डेली इन द मॉर्निंग। अब देखिए ये वॉक पर हर सुबह जाता है, यानी ये काम ये बार बार करता है, इसकी हैबिट है ऐसा करना। ठीक, इसकी आदत है कि वॉक पर हर सुबह जाए। तो वॉक डेली, डेली आया, इसका मतलब है कि ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है? पहला फॉर्म। ठीक, क्यों? क्योंकि ये जो एक्शन है इसका कि ये वॉक पर जाता है हर सुबह, यानी इसका जो ये वॉक पर जाता है ये ऐसा एक्शन है जिसको कि ये रोज रोज करता है या इसकी आदत में ये शुमार है। तो इसका मतलब है कि इस एक्शन को ही बार बार करता है, ये इसका मतलब ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब हम आते हैं नेक्स्ट, इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर नंबर, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर यानी एक वचन में है एंड थर्ड पर्सन और थर्ड पर्सन में है, तो वी एड एस और ईएस टू द वर्ब टू स्पीक और राइट अबाउट दिस टाइप ऑफ एक्शन। ठीक, अगर सब्जेक्ट एक वचन में है या थर्ड पर्सन में है तो हम क्या करेंगे? उसको लिखने या बोलने के लिए उसके आगे क्या जोड़ देंगे? एस जोड़ देंगे या ई एस जोड़ देंगे। ठीक, एग्जांपल देखिए, शी ड्रॉज ब्यूटीफुल पिक्चर्स। अब शी क्या है? शी हमारा सिंगुलर नंबर है और थर्ड पर्सन है। ठीक, तो ड्रॉज, ड्रॉज, ड्रॉ में हम एस जोड़ देंगे क्योंकि ड्रॉ हमारा वर्ब है ना, तो ड्रॉ में हम क्या करेंगे? एस जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? ड्रॉज हो जाएगा। ठीक, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज टू टॉक ऑफ द एक्शन इन द पास्ट। वर्ब का जो सेकेंड फॉर्म होता है ये ऐसे एक्शन को बताता है जो हम पास्ट में यानी अतीत में या भूत में कर चुके हैं, ऐसे एक्शन के बारे में वर्ब का सेकेंड फॉर्म हमें बताता है। एग्जाम्पल देखिए, वी केम हियर यस्टरडे। अब यस्टरडे यानी बीता हुआ कल। ठीक, तो हम यहाँ पे कब आए थे? बीते हुए कल में आए थे, यानी कि हम आए थे कब? आए थे बीते हुए में आए थे, यानी ये एक्शन हम अतीत में कर चुके हैं। ऐसे वाक्यों के बारे में जो वर्ब बताता है वो वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है? सेकेंड फॉर्म। अब नेक्स्ट आते हैं, देखिए थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड आफ्टर हैज, हैव और हैड। वर्ब के थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हम कहां पर करते हैं? हैज, हैव और हैड के बाद करते हैं। जैसे देखिए ही हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी डन आया है, तो डन क्या है? डन वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ठीक बच्चों, ये चैप्टर आपका यहीं पर समाप्त होता है। आप इसको ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और बुक के पीछे या बीच में जो भी एक्सरसाइजेस दी गई हैं उन्हें ध्यान से और समझ कर करने का प्रयास करिएगा।